मोदी जी को हराएंगे। मोदी जी आज तक अमित शाह जी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई धरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले है। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में, क्योंकि राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किए, कर्नाटक में सरकार बने, तेलंगाना में भी सरकार बने, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी अपना सरकार बनने वाले, केंद्र में भी अपना सरकार बनने वाले। अपने लिए अपना नेता है खड़गे जी है, अपने नेता सोनिया जी है। इसीलिए मेरा गुजारिश यहाँ के सेडम के लोगों को, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, बगल के तेलंगाना आपको पता है, मेरा असेंबली भी कोडंगल है। आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े मुझे एक आवाज दो, मैं यहाँ हाजिर हूँ। आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े तो सीधा सीधा हैदराबाद चल कर आओ, मैं वहां रहता हूँ। आप लोगों के लिए काम करने के लिए, आप लोगों को मदद करने के लिए हमेशा मैं हाजिर रहता हूँ। यहीं मेरा भाषण खत्म करते हुए मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ। जय।